दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं केवीटीवी बिहार। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि बलिया ब्लॉक में आज जो है तमाम पंचायत के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आए हुए हैं। इसी बीच मैं एक प्रत्याशी से बात करने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले सर आपको केवीटीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सर, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले जो भी दर्शक और तमाम जनता आपके पंचायत के देख रहे हो, आप खुद परिचय अपना दें, किस पंचायत से खड़े हैं और किस पद से। हम मंसरपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। हम जनता के भरोसे के ऊपर अपना समर्थन हाजिर कर रहे हैं जी। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, आज जो ये पंचायत तमाम आपके पंचायत के तमाम जनता जो आपके पीछे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके पीछे आपका क्या कहना है? इतना जो सपोर्ट आपके पीछे है, क्या कहना है? इस सब का जो भी विकास अधूरा है, हर कोशिश करेंगे जहां तक हर संभव। सबका खुशी है कि अपना युवा आके अपना युवा दायित्व तो संवारे, सबका अति देखे, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मंसरपुर पंचायत के अंदर सर आप उस पंचायत से हैं, आपको पंचायत के अंदर मूल समस्याओं के बारे में पता होगा, क्या समस्या है थोड़ा सा बताएं। उसमें बहुत से है, शिक्षा है, पानी की कमी है, नाला है, कहीं रास्ता जुड़ा नहीं है, ये सब भी है। स्कूल में भी बच्चे का जो रख रखाव शिक्षा के माध्यम में वो भी बहुत नग्न है। शिक्षा का स्तर कैसा? हाँ, बहुत अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा होना चाहिए उतना अभी नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? नहीं। तो इस पे क्या आपके बारे में सोच रहे? यही सब ज्यादा मौका मिलेगा तो हर संभव होगा कि पंचायत भवन में आके अपना उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करवाए। बोले सर क्या ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या? आपका मुद्दा क्या? हमारा मुद्दा है जो युवा का संयोग है कि जितना हो सके हर सम हम ज्यादा विकास करेंगे। जैसे अपना राशन कार्ड की कमी है, जो भी मुद्दा है जनता का, उस सब को हर सम हम कोशिश करेंगे खड़ा से खड़ा उतरने जी। लेकिन सर जो भी जनता आपको देख रही है, सुन रही है, आप उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं, आप अपने पंचायत के तमाम जनता के? हम सबसे अपील है कि आप इत्मीनान से अपने युवा उम्मीदवार को विजय बनावे, आपके साथ हर संभव खड़ा रहने के लिए कोशिश करेंगे जी। बिल्कुल जी। लेकिन सर आपका पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आप आगे बढ़िएगा अगर जीत जाते हैं तो? अगर हम जीत जाते हैं तो स्कूल का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है उसका मतलब समीक्षा बैठक करके जहाँ तक होगा समाज के अधीन वो कार्य पहले करेंगे। उसके बाद कुछ नाली छूटा हुआ है, पानी का बहाव बहुत कष्ट में है, ठीक वो सब को पूरा किया जाएगा। आपका क्या कहना भैया, आप एक युवा हैं, थोड़ा सा बताइए जो आज ये खड़े हैं मुखिया पद से मंसरपुर से, आपका क्या कहना, आपका कितना सपोर्ट है? हम सभी युवाओं का सपोर्ट है जी। मेरा प्राथमिकता है कि मेरे गांव जो है शिक्षा के स्तर में सुधार हो, जिसके लिए लाइब्रेरी हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सड़क जहाँ जल जमाव का समस्या है उसका निदान हो, यही हमारा मूल समस्या है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताया सर, आपका क्या कहना है? बोलिए हम, आपका क्या कहना है बोलिए। पढ़ाई कर सकते, इस बार किसको चुनना चाह रहे हैं? राजेश मुखिया। राजेश मुखिया जी। राजेश मुखिया, आपका क्या कहना? राजेश मुखिया। राजेश मुखिया जी, आपके पंचायत का क्या विकास कर पाने में खड़े उतरेंगे? हाँ। तो ये थे मंसरपुर पंचायत के राजकुमार राजेश मुखिया जी, जो कि इस बार जो है मुखिया पद के लिए अपना दावेदारी पेश कर दिए हैं। लेकिन तमाम जनता का जो है पूरा सपोर्ट है, सहयोग है। मेरा भी यही कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो अपने पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास करके ध्यान दें। तब तक के लिए बने रहें, मैं साकेत कुमार।